हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्राइविंग स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के आकलन एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 15 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का आपको देख लें। यहाँ पर हमने आई बटन की लिंक दे दी है ऊपर। आपने अगर फर्स्ट शिफ्ट का अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख ले, क्योंकि हम आपको बताएंगे इतना एडवांस लेवल का एनालिसिस आपको करवा देंगे। सेकंड शिफ्ट का है, इसको भी पूरा देखिएगा। जीके के पूरे 25 जीके तक के क्वेश्चन मिलते हैं। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिले गाइस, वो मान के चलेगा 130-140 समथिंग क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। और 15 मार्च सेकंड शिफ्ट का है, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन पर मिल जाएगी पीडीएफ। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ हम डाल देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हम बस फ्री होकर अभी पीडीएफ डाल देंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, जिसे डालेंगे नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे आपको, तो तुरंत पता चल जाएगा। हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, इसका भी डेमो आप देख लीजिएगा। डेमो कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक टेस्ट आप जिक्र देखिए। अगर पसंद आए तो परचेज कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपको मिल जाएगी। देखिए, हमने सभी सब्जेक्ट का साल यहाँ पर डाल के रखा है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिए हैं, जैसा फर्स्ट शिफ्ट में कवर किया था। और गाइस, इस बार करंट के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन हमारा बना है, बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको एक चीज और रिकॉल करवा दूं मैं पहले, गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल पाए, तो हमें भी अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है? तो आपसे कंटिन्यू करते हैं। बुरहानपुर जो है ये किस नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन आपका बना है। ताप्ती नदी आपका सही जवाब देगा। बुरहानपुर जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, और ये जो है कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। बुरहानपुर अपने राजनीतिक स्थान के कारण इसे दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका पहले शिफ्ट में पूछा गया। क्लियर है? और दूसरे शिफ्ट में भी बुरहानपुर से लगातार क्वेश्चन बना है, किस नदी के तट पर ये पूछ लिया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच में जामा मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाया। नेपन नगर भारत के मध्य प्रदेश के जो बुरहानपुर जिला है, यहाँ पर एक औद्योगिक शहर है नेपन नगर। नेपा पेपर मिल की जिन पर है, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन लगातार। अगला क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके भोपाल में मराठी साहित्य अकादमी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी क्या है? तो कुचिपुड़ी ये सरस ऑप्शन है, नृत्य है, गान है, संगीत है, क्या है? तो ये कुचिपुड़ी जो है ये नृत्य है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है ये। क्लियर है? कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुतलापुरी गाँव से निकला है। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी ने भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है इनको मान्यता दे रखी। तो ये शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन बना है, आपसे दांडी यात्रा का प्रारंभ हुई थी 1930 में हुई थी। दांडी यात्रा का आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के दांडी तक 1930 में किया गया, और इसे गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में शुरू किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड एजविन वायसराय थे। क्लियर है? और सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। क्लियर है? एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में हर शिफ्ट में बनने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 18, यानी अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 अस्पष्टता से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। क्लियर है? तो भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत है। तो ये उपाधियों का अंत बेसिकली है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, देखिए मणिपुर के नए राज्यपाल पूछा गया है। अभी हाल ही में नई नियुक्ति की गई है राज्यपाल की, नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो मणिपुर की जो नई राज्यपाल बनी है ये अनुसुईया उइके बनी है। ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, आप याद होना चाहिए आपको। 16 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल इनको बनाया गया था, और अभी इनको जो है कहाँ की बना दिया गया, मणिपुर इनको भेज दिया गया, मणिपुर के राज्यपाल इनको बना दिया गया। तो अनुसुईया जो उइके है ये अब मणिपुर की नई राज्यपाल बन गई है। और गाइस, जनसंघ से जुड़े हुए 84 साल से जुड़े रहे, 84 साल के विश्वभूषण जो हरिचंदन है इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल अब बना दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, इनको छत्तीसगढ़ का बना दिया है। और 2006 से 12 तक मध्य प्रदेश से सांसद रही, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली है ये, और मध्य प्रदेश से सांसद रही है 6 से 12 के बीच में, अनुसुईया उइके इनका नाम है। मध्य प्रदेश की अर्जुन सिंह सरकार में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री भी रह चुकी है, और वर्ष 1997-98 में भाजपा से ये जुड़ी थी। क्लियर है? तो इनके बारे में भी हमने आपको चीजें कवर करवा दी। हो सकता है यहीं से कोई क्वेश्चन आपका बना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है 69.32% है।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 67.32 है, पुरुष साक्षरता है 78.73 और महिला साक्षरता है 59.24%। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की साक्षरता दर बात करें तो 74.04% है और पुरुषों की है 82.14, महिलाओं की 65.86%, माफ कीजिएगा 46%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अजीब पहाड़ी का शहर किसे बोला जाता है या फिर अनेक अजूबों की पहाड़ी। ये दोनों तरह के क्वेश्चन हमें मिले हैं, बच्चों ने सेंड किए हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन हमने थोड़े से रिसर्च किए इनके बारे में, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हमें इनसे रिलेटेड डिटेल देखने को नहीं मिली। क्लियर है? तो या तो इनमें थोड़ा सा उलट फेर होगा क्योंकि पैटर्न चेंज किया होगा, एग्जैक्ट याद नहीं रहा होगा उनको, या फिर क्वेश्चन कुछ घुमा फिराते होगा, है ना। दोनों कंडीशन में एक कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, तो आप हमें सीधे सीधे कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ताकि हम भी उसका राइट आंसर आपको बता पाए। क्लियर है? तो बाकी हमें तो यही लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे, इसलिए दोनों के दोनों हमने मेंशन यहाँ पर डाल दिए। इस दोनों क्वेश्चन एक ही है मुझे ऐसा लगता है, और दोनों के आंसर भी सेम ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसका जो कि हमें समझ में अभी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अकबर ने किस किले को मध्य भारत का स्वर्ण कहा था। क्लियर है? चंदेरी, ग्वालियर, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना है, तो आप देख लीजिएगा ये क्या क्वेश्चन था, थोड़ा आधा अधूरा क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन ये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महाधिवक्ता कौन नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता को की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता होने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, और ये आर्टिकल है 165, इसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, और ये आर्टिकल आपका किसमें पूछा था, आपका एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में धान यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये बड़वानी में, मध्य प्रदेश में धान चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, और इस केंद्र में धान की विभिन्न उन्नत किस्मों का अध्ययन, उत्पादन और अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका, सारो मारो क्या है, तो सारो मारो जो है ये गुफाएं हैं, यहाँ से आपको दे रखा था महल है, किला है, गुफाएं, शैलचित्र है, क्या है, तो गुफाएं ये है, याद रखिएगा सारो मारो एक प्राचीन मठ परिसर और बौद्ध गुफाओं का एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल कहाँ पर है, तो सीहोर जिले की बुधनी तहसील का एक गांव है पान गुराडिया, यहाँ पर देखने को मिलती है, और सांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इस स्थल में कई स्तूपों के साथ साथ भिक्षुओं की प्राकृतिक गुफाएं भी देखने को मिलती है, तो आप याद रखिएगा सारो मारो की गुफाएं बेसिकली इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व किससे संबंधित थे, तो ये गायक थे। इस तरह से क्वेश्चन थे, राजनेता थे, अभिनेता थे, गायक थे, सिंगर थे, और कुछ ऑप्शन थे, तो याद रखिएगा ये जो है गायक थे, कुमार गंधर्व भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। क्लियर है? और लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार गंधर्व ने जिन्हें कबीर को जैसा गाया वैसा कोई और नहीं गा सकेगा। कुमार गंधर्व 8 अप्रैल 1924 में जन्म हुआ, 12 जनवरी 1992 को इनका निधन हुआ, तो याद रखिएगा। और इनके नाम से इनका जो एक और नाम है शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली है, ये नाम इनका काफी ज्यादा पूछा जाता है, और मध्य प्रदेश के देवास से इनका संबंध है, इतना भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, और 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अद्वैत पागे का संबंध किससे है, तो अद्वैत पागे जो कि मध्य प्रदेश के तैराक है ये, और इंदौर के हैं, इनका संबंध इंदौर से है, तो आप याद रखिएगा तैराक ये है, तैराकी से संबंध इनका है अद्वैत पागे का। और हमने ई बुक जो हमारी ई बुक है द करंट अफेयर की, उसमें भी काफी डिटेल के बारे में इनको कवर करते हैं, क्योंकि ये भी कोई मेडल वगैरह जीते हैं या कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं उसको जीते हैं ना, तो उनके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल हम कवर करते हैं ई बुक में, तो ई बुक में इनके बारे में काफी डिटेल के साथ हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन बना है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो ये कुमार सानू को मिला है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य की जो संस्कृति मंत्री है उषा ठाकुर, इन्होंने एक भव्य समारोह में आनंद मिलिंद कुमार सानू, ये जो सभी है इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया है, तो याद रखिएगा ये 2021 के लिए किसको मिला है, कुमार सानू को मिला है, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को मिला है, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन किस अनुच्छेद में होता है। देखिए संशोधन जो होते हैं वो कुछ अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो ये 368 आर्टिकल के अनुसार किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 जो संविधान को संशोधित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है, और जो यह बताता है कि संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, जिसे दोनों द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए, इसे राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, तो ये श्रीलंका को कहा जाता है हिंद महासागर का मोती। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं, श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी टेस्ट सीरीज खेली गई थी। अब ये करंट का क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ताजा
तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में अभी जो सीरीज हुई थी ये वनडे सीरीज हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोलिए और भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑप्शंस में क्या आते हैं ताकि आपको बता सकते। देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है क्या पूछा था, बट हमने पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है, जो भी पूछा गया वो कवर करवा देंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में हुई थी। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 53 निर्धारित की गई है और इसे 1936 में नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश के नए राज्य के गठन के बाद यह जबलपुर में अपनी पीठ के साथ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय बन गया। एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेविस कप से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। डेविस कप जो होता है ये दुनिया भर में पुरुषों के टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है डेविस कप, और यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो है ITF और कॉस्मोस होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीमों के बीच नॉकआउट प्रारूप खेला जाता है और प्रवर्तकों ने इसे विश्व टेनिस कप के रूप में वर्णित किया है, और इसके अलावा विजेताओं को विश्व चैंपियन की टीम के पूर्ण रूप से संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि निम्न चार संस्थाओं में से किस भारत किसका सदस्य नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे थे, बताइए निम्न चार संस्थाओं में से भारत किसका सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ जो है इसका भारत सदस्य नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान 300 जो अनुच्छेद है संविधान के 378 और 352 इनसे क्वेश्चंस बने थे। क्लियर है? अब क्या थे ये तो नहीं पता है, बट हमने डिटेल कवर करवा दिए। अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें तो इसके तहत संपूर्ण भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से के में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है 352 के आधार पर। और बात करें अनुच्छेद 378 की, तो इसकी बात करें तो जो कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में है उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जख्म जंगम जो कि संपत्ति बेईमानी से ले लेना से आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, और ये कहा जाता है 378 में। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा एक नजर क्या आपको ऑप्शंस में मिले थे। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको तो सारी चीजें पता होगी, तो आप कमेंट में भी बता दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके घर में से कचरा कौन उठाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके घर से कचरा कौन उठाता है। तो नगर निगम आपका सही जवाब देगा क्योंकि ऑप्शन में यही आपका राइट आंसर था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कुडियाट्टम क्या है। तो ये एक नृत्य है, कुडियाट्टम ओडिशा की एक नृत्य शैली है। याद रखिएगा ओडिशी भारतीय राज्य ओडिशा जो है ये ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, और कुडियाट्टम जो है ये ओडिशा का एक नृत्य है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा जीके के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं और सारे आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर आपको करवाए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब साइंस की। देखिए साइंस में भी काफी अच्छे क्वेश्चन बने हैं आपके यहाँ पर। उससे पहले हम बता दें हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल पराजी फॉरेस्ट गार्ड सब इंस्पेक्टर की, इसके अलावा MPPSC की, MP करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की 23 की और 20 की भी अवेलेबल है। MPGK की टेस्ट सीरीज है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके एक बार डेमो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि आप अच्छा स्पेशल ऑफर है सभी पर चल रहा है। कंटिन्यू करते हैं साइंस को। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन आपसे बना है किस विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, और वैज्ञानिक का नाम क्या क्या है। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए, सेल वॉल से क्वेश्चन पूछे गए, सेल वॉल जो होती है इससे क्वेश्चन पूछे गए किससे, सेल वॉल से कोशिका भित्ति से। क्लियर है? इसके अलावा वायु कैसा है, वायु कैसी होती है, या वायु क्या इस तरह से मिश्रण है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बने हैं। देखिए आप सभी को बताइए साइंस में जो क्वेश्चन एग्जाम दी होगी आपने भी कभी ना कभी, आपको बताइए व्यापिम कैसे साइंस पूछता है और साइंस को याद रखना पॉसिबल नहीं रह पाता है। तो जितनी भी बता पा रहे हैं हमारी हेल्प हो रही है, हमें जितनी भी मिल पा रहे क्वेश्चंस हमने भी कोशिश करते हैं ज्यादा समझने की, बट याद नहीं रह पाते, ऐसे साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो आप भी थोड़ा समझा करें, साइंस जितना भी आपको मिल रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैटर्न हम आपको पूरा का पूरा बता देंगे, बस आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। रोगों से क्वेश्चन पूछे गए, बीमारियों से, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, चुंबक से क्वेश्चन बने हैं, पेड़ पत्तियों से क्वेश्चन बने हैं, मात्रक से क्वेश्चन बने हैं आपके, अवशेष से क्वेश्चंस बने हैं, प्रदूषण से क्वेश्चंस बने हैं, ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चंस बने हैं, बीमारियों से क्वेश्चंस बने हैं, पादप जगत और जंतु जगत से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, कोशिका से क्वेश्चंस बने हैं, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चंस बने हैं, ये रिपीट हो गया गुरुत्वाकर्षण वाला, वायु क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है चूना का सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तंत्रिका तंत्र से भी क्वेश्चन बना है, किस तत्व न्यूट्रॉन इक्वल था, किस तत्व में न्यूट्रॉन जो होता है ये इक्वल था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। योगिक से क्वेश्चन बना है, मिट्टी से क्वेश्चन बना है, जल का स्रोत क्या है, ये आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। लगभग लगभग हमें पूरा
टॉपिक तो पता चल ही चुका है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता चले ना चले, आपको टॉपिक पता चल गया कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको एक ही काम करना है कि इन टॉपिक को अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आपको बताइए व्यापम जहाँ से क्वेश्चन देने लग जाता है, दो तीन दिन तक वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आगे पीछे करता है। क्लियर है? तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी बने थे। एमएस वर्ड यहीं से बनना है क्योंकि टॉपिक ही ये सिलेक्टेड है और यहीं से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट सुबह भी तीनों से पूछे गए थे। इनपुट आउटपुट से सुबह भी पूछे गए थे और अब भी पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बना है। इनमें से एक सर्च इंजन कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। फ्री में कोडिंग किसने शुरू की थी, ये क्वेश्चन आपका एक बना है। इसके अलावा मेमोरी से क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। इंटरनेट से क्वेश्चन बना है आपका, नेटवर्किंग से क्वेश्चन बना है, हार्डवेयर और कंप्यूटर की टर्मोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये पूरा कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में सेलेक्टेड टॉपिक है कुछ, उन टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहां से नई जो टेक्नोलॉजी है इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी स्टेटिक से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गए, एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, मेमोरी वगैरह, तो इन सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी नेटवर्किंग और इंटरनेट कंप्यूटर ये जो टर्मोलॉजी है को आप एक नजर देख लीजिएगा क्योंकि इनसे थोड़े से उस तक एडवांस के पूछे जा रहे होंगे। क्लियर है? हिंदी में बात करें अब हम, देखिए हिंदी जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है ना, ऐसा कह सकते हैं हम कि बिल्कुल इजी है हिंदी, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सोल्व करना आसानी से कर सकते हैं और 25 में से 25 भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिंदी में बहुव्रीहि समास से पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा संधि से क्वेश्चन आपका बना है, एक क्वेश्चन संधि से पूछा गया है। इसके अलावा उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध करो, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिला था। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछे गए, विलोम शब्द से क्वेश्चन आपके बने हैं, चिन्ह जो होते हैं विराम चिन्ह वगैरह चिन्ह से क्वेश्चंस बने हैं, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चंस पूछे गए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से आपके क्वेश्चंस बने। इसके अलावा मुहावरे भी पूछे गए हैं आपके, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चंस आपके बने हैं, विस्मयबोधक से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हिंदी में, विराम चिन्ह से क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको बता चुके, वाक्य विशेषण और कारक इनसे भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, और गुण संधि से एक क्वेश्चन आपका बना था कि गुण संधि बताइए किसमें है या इनमें से गुण संधि कौन से, इस तरह से दोनों में से कुछ भी पैटर्न हो सकता है, पर यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैनेजमेंट की अब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा इसने हवा टाइट कर रखी थी, तो हम आपको बताते हैं मैनेजमेंट इतना ज्यादा भी नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया विपणन से, एक क्वेश्चन आपका आया है, संगठन से तीन क्वेश्चन बने हैं, नियुक्तियों से क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा निर्देशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, प्रबंध से प्रबंध में सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, नियोजन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, संगठन में सबसे ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, विपदान से क्वेश्चन पूछा गया, प्रबंध से क्वेश्चन पूछा गया, अकाउंटिंग से क्वेश्चन बना है आपका, इसके अलावा अगर आप अधिकारी हैं तो क्या निर्णय क्षमता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रबंध की फर्स्ट प्रोसेस क्या है, नियोजन वाली, तो इस तरह से क्वेश्चन बना है, प्रबंध से संबंधित कंपनी से प्रश्न भी पूछा गया है, इसके अलावा परिभाषा कुछ परिभाषा से रिलेटेड भी प्रबंध से कथन हम उनको बोल सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके प्रबंध में पूछे गए हैं प्रबंधन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की, इंग्लिश में गाइस कंजेक्शन से क्वेश्चंस बने हैं, टेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नरेशन से क्वेश्चंस बने हैं, ईरर से क्वेश्चंस बने हैं, आर्टिकल से दो क्वेश्चंस बने हैं, एक्टिव पैसिव से एक से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चंस लगातार आपको पता ही बनते ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे गए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में समय कार्य दूरी टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से तीन से चार नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, नाव धारा से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पाई चार्ट से दो से तीन क्वेश्चंस बने हैं, ग्राफ से यानी ग्राफ जो होता है इससे तीन से चार क्वेश्चंस बने, बहुलक से एक से दो क्वेश्चंस बने, लाभ हानि से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से पूछे गए हैं, अनुपात समानुपात से पूछे गए हैं आपके, इसके अलावा आयु से पूछे गए और रेलगाड़ी से भी आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले थे। मतलब मान के चलेगा आप मैथ्स जो आ रहा है बिल्कुल सेम पैटर्न पर आ रहा है, कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की आप देख लीजिएगा, अभी आबकारी में कांस्टेबल उससे पहले सभी में जो मैथ्स आता है वो सेम मैथ्स आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैथ्स में आपको कोई टेंशन लेने वाली दिक्कत भी नहीं है, जिनका कंप्लीट है वो आसानी से कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग की बात करेगा इस रीजनिंग भी सेम आ रही है, सेम पैटर्न है, कुछ नया देखने को यहाँ पर अभी तक नहीं मिला। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बने, बैठक व्यवस्था, गलत पद, कोडिंग डिकोडिंग सात आठ क्वेश्चन बन रहे, कोडिंग डिकोडिंग को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आकृति से क्वेश्चंस बने, दिशा दूरी से क्वेश्चंस बन रहे, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बने और सर्कल वाले क्वेश्चंस भी इस तरह के बन रहे हैं। क्लियर है? तो इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक आपको बताए हैं हमने
अगर आपकी एग्जाम है आने वाले एक दो दिन में तो आप अच्छे से इनको रट लीजिएगा, क्योंकि गाइस यहां से क्वेश्चंस लगातार बन रहे और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक है कुछ कुछ सब्जेक्ट में और वहां से पॉसिबल ही है कि वहीं से क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। क्लियर है? और यहाँ पर आई थिंक आपको पूरा आइडिया लग गया है। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, पटवारी की टेस्ट सीरीज, जेल पराली, फॉरेस्ट गार्ड की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। आप एक बार डेमो इनके जरूर चेकआउट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको एमपी पटवारी एनालिसिस 2023 की फोल्डर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट वाइज पूरा मिल जाएगा, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, इस तरह से। तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? टाइम टू टाइम हम पीडीएफ डाल देंगे, आप उस चीज की टेंशन मत लिया करें, बस आप अच्छे से अपनी तैयारी पर फोकस करें पहले तो, क्योंकि तैयारी आप लास्ट टाइम है, आप सभी को बताइए और अच्छे से इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो हम बता रहे हैं वो कर लीजिएगा आप, क्योंकि वहीं से लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत से मिल पाए। अब मिलते हैं हमारी हम एक नई शिफ्ट में नए एनालिसिस के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।